हेलो, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? हाय, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। फाइव मिनट्स वेट कर लेते हैं। सब ज्वाइन कर ले। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने दो डिश लेके आई हूँ। एक है मेरा स्विस रोल और एक है हमारा गार्लिक राइस, गार्लिक मसाला राइस। मिनट्स और वेट कर लेते हैं, लोग ज्वाइन कर लें। मेरा वीडियो ऑडिबल है, विजिबल है ना? कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई वांट टू थैंक यू अमूल, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, अपने डिश को शोकेस करने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और थैंक्स आप लोगों को जो आप ज्वाइन कर रहे हो, मेरी रेसिपी देख रहे हो। थैंक यू सो मच। चलिए हम सबसे पहले गार्लिक मसाला राइस के लिए तैयारी करते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे अमूल बटर, टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप अमूल बटर का यूज करोगे। ये हमारे पास ऑर्गेनो है, ये हमारे पास पिज्जा सीजनिंग है, गार्लिक कटी हुई है, सॉल्ट है हमारे पास, ऑयल कॉर्न है और राइस है, वाइट राइस मैंने बना के रखे हैं। और ऑलिव आप डालना चाहें तो वो भी है, मैं ऑलिव का यूज कर रही हूँ। और इसमें चाट मसाला मैं डालूंगी, अमूल का बटर इसके लिए वो हमें चाहिए, और स्प्रेड चीज चाहिए और मेयोनीज है, ये होम मेड। 1 to 2 टेबल स्पून इनफ है हमारे लिए। हम बटर डाल लेते हैं अमूल का।
अगर बटर मेल्ट हो जाए तो हम उसमें दो टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक है वो डालेंगे, इसमें चीज हम अमूल स्प्रेड चीज यूज करेंगे, हल्का सा पिंक कलर में आ जाए गार्लिक में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब हम बटर एंड गार्लिक को सॉटे करते हैं हल्का सा पिंक हो जाए इनफ है हमारे लिए। हल्का सा पिंक हो गया है उसमें हम ये डालेंगे, आप हाफ बाउल समझ लीजिए, ये छोटा बाउल है, आप हाफ हाफ बाउल यूज करेंगे। उसमें कॉर्न है, मैं मिक्स कर रही हूँ कॉर्न, हल्का सा सोते होंगे होएगा। देन आफ्टर सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट जितना आपको सही लगे। देन आफ्टर ये मेरे पास एक स्पून ऑर्गेनो में डाल रही हूँ, पिज्जा सीजनिंग है और ये मेयोनीज है मेरे पास, दो टेबल स्पून मैंने डाला है, थोड़ा सा मिक्स होने देंगे। देन आफ्टर अमूल का स्प्रेड चीज हम डालेंगे, एक टेबल स्पून इनफ है हमारे लिए। ये थोड़ा सा पानी है, हाफ कप हम डाल लेंगे पानी। ये एक सॉस तैयार हो गई है। देन आफ्टर आप एक बाउल ये है राइस, दो राई दो बाउल मैंने यूज किया है, एम थ्री लोगों के लिए इनफ हो जाएगा, दो लोग खा सकते हैं इसको। देन आफ्टर थोड़ा सा चाट मसाला, हमारे पास ऑलिव है हम ऑलिव डालेंगे इसमें, ऑलिव बहुत कम लोगों को पसंद आता है इसलिए मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, उसमें तीन चार पीसेस आप डाल दो इनफ है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हो।
स्टूडेंट्स होके ये सॉस के साथ पूरा टेक्सचर ले लिया है राइस हमारा। दो मिनट के लिए इसको चलने देंगे, गरम होने देंगे इसमें। ये मैंने लिया है, इसको भर के मैं थोड़ा सा प्लेटिंग करूंगी। ये हमारा राइस तैयार है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं इसमें, हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। आप हाथ से कर लो या ब्रश से कर लो, जैसे सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। आप अच्छे से इसको फिल कर लो, जितना अच्छे से फिल करेंगे उतना अच्छा इसका शेप आएगा। आप देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा ना दबा रही हूँ जैसे राइस का पूरा शेप आ जाए प्लेट पे। मैं एज इट इज इसको ऐसे ही रख रही हूँ, गैस बंद। देन आफ्टर हम लोग की सेकेंड डिश है स्विस रोल। बहुत ही यूनिक है, मतलब खा के मजा आ जाएगा। कोई स्नैक्स फ्राई स्नैक्स से हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं कि कहीं जाते हैं तो स्नैक्स हमें मिलते हैं वो भी फ्राई, बट ये फ्राई नहीं है। आप ये ब्रेड का स्लाइस है मैंने कट करके रखा है इसके एजेस, इसको हम चकला बेलन पे थोड़ा सा बेलेंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल पतला पतला हो गया। सारे हम कर लेंगे, फोर स्लाइसेस मैंने लिए हैं। ये अमूल का चीज है हमारे पास क्यूब वाला, मैं ग्रेटर ले लेती हूँ। ये रहा मेरा ग्रेटर, जितना हो सके आप पतला कर लो इसको। देन आफ्टर हम लोग ये ऐसे रखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। ये मैंने मेयोनीज भी है, आप चाहे तंदूरी मेयोनीज मिलती है या आपको जो फ्लेवर का पसंद हो, इसमें मैंने मेयोनीज में सॉस ऐड किया है, ठीक है, व्हाइट सॉस, व्हाइट मेयोनीज में। ये मैं स्प्रेड करूंगी फर्स्ट वाले में, देन आफ्टर ये चीज स्प्रेड करूंगी।
थोड़ा सा इसको इसके ऊपर चढ़ा के, जैसे कि बेंड हो जाए, अच्छे से रोल हो जाएगा हमारा। ये ऊपर से सीजनिंग, पिज्जा सीजनिंग हम स्प्रेड करेंगे। हमारे पास सॉस है, सॉस को स्प्रेड करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको साइड में करेंगे और थोड़ा सा इसको पानी स्प्रेड करेंगे। अब ये सबसे पहले मैंने मेयोनीज वाली थी, जो मेयोनीज प्लस सॉस है उसमें, देन ये स्प्रेड व्हाइट सॉस वाला लेंगे, उसमें हमने ऑरिगेनो स्प्रेड किया है, देन ये हमारे पास है सॉस वाला, वो स्प्रेड किया था। अब ऊपर से चीज ग्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं इसे हम रोल कर रहे हैं। ये रोल हो रहा है हमारा। इसको हम लोग 2 मिनट रेस्ट पे देंगे, रेस्ट करने देंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं रोल कर रही हूँ उसे। अब हाथ से भी कर सकते हो अगर हो जाए। जो लास्ट वाला स्लाइस बची, इसे हम अच्छे से बेल देंगे। इसमें अमूल बटर यूज करेंगे, स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। अब ये अच्छे से स्प्रेड हो गया हमारा। देन आफ्टर ये पूरा रोल लेंगे हम इसी पे, ये ब्रेड पे अच्छे से रोल करेंगे इसको, बटर वाले को। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी की हेल्प से ये देखिए कितना अच्छे से ये वो बाइंड हो रहा है। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही इजी स्नैक्स है, जो कि तला तला थोड़ा सा दूर हो जाता है हमारा। तला तला खाने से तो दूर होगा। आप मल्टीग्रेन ब्रेड से भी ट्राई कर सकते हो। ये देखिए अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं फ्रिज में उसको सेट करूँ, इसलिए मैंने जल्दी में काट दिया। ये देख सकते हैं आप इसको, ये देखिए अभी मैं आपको उसमें दिखाती हूँ बेकिंग करके। इसमें नमक नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई उसमें कोई वो जरूरत नहीं है। क्या होता है चीज में और ये सब में नमक थोड़ा तो होता ही है, ये सॉस या चटनी के साथ आप खा सकते हो।
मेरे पास अभी ट्रेडिंग के लिए ये है ट्रेड, ये मैं कैसे रख रही हूँ। वाओ पूरा हार्ट शेप आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये इस पे स्क्रोल भी मैं रख रही हूँ इसमें। ये सॉस स्प्रेड कर रही हूँ, सॉस के साथ खाइए कि यार ग्रीन चटनी के साथ वो आपके ऊपर है। स्विस रोल के ऊपर मैं थोड़ी सी सॉस स्प्रेड कर रही हूँ, थोड़ा सा देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये हो गया है, मेरे पास ऑलिव था, देख सकते हैं गार्लिक राइस एंड गार्लिक मसाला राइस और स्विस रोल ब्रेड का। चलिए मैं आपको कैमरा रोटेट करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए कैसा लगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी अमूल को और आप लोगों को जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी रेसिपी को शोकेस करने के लिए। आई होप सबको अच्छा लगे और नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी लेके आऊंगी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रेसिपीज। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा। ओके बाय।